महाराष्ट्र के मुंबई में हुए बलात्कार और कोल्हापुर मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है। देखो, एकदम क्लियर और स्पष्ट बात है कि कोल्हापुर में जो दो बच्चों ने औरंगजेब का डीपी रखा था, उसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। जब मुस्लिम समाज एकदम स्पष्ट है, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो एकदम बात क्लियर है। फिर तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार है, जो आज पूरे कोल्हापुर में माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? और आज महाराष्ट्र में ये पहली घटना नहीं है, अभी ये 10वीं घटना है। औरंगाबाद से घटना शुरू हुई तो ना मुस्लिम यहाँ पर सुरक्षित है, ना दलित है, ना आदिवासी, ना हिंदू है, कोई सुरक्षित नहीं महाराष्ट्र में। और ऐसे परिस्थिति में मंत्रालय जहाँ बैठते ही सरकार, वहाँ से आवाज़ की दूरी पर सावित्रीबाई फुले हॉस्टल में एक बच्ची की बलचिप के ऊपर बलात्कार होता है, तो महाराष्ट्र में महिला भी सुरक्षित नहीं है, बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को नपुंसक सरकार कहा है। अगर ये घटनाएं जब महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है, इस राज्य में ना हिंदू मुस्लिम, ना दलित, ना आदिवासी, कोई अगर सुरक्षित नहीं है, तो ये सरकार, नपुंसक सरकार महाराष्ट्र में क्या कर रही है? महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, सबको न्याय मिलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति ये महाराष्ट्र में थी, ये महाराष्ट्र को बर्बाद करने के लिए ईडी की सरकार, एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार, बीजेपी की सरकार जो बैठी है, ये सरकार को अगर थोड़ी शर्म है तो तुरंत इस्तीफा देके बाहर होना चाहिए। ये मांग हम कांग्रेस की तरफ से करते हैं।